नमस्ते दोस्तों, मैं कुरारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे भाई लगातार प्रश्न कर रहे हैं कि आप कठुआ बलात्कार के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो। एक भाई ने तो यहां तक लिखा कि शेम ऑन यू, बिल्कुल शेम ऑन मी होना चाहिए, क्योंकि जो आपका मीडिया है, जिस प्रकार से आपके बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ बॉलीवुड के कलाकार, वो नंग कलाकार जो रात से लेके दिन निकलने तक और दिन निकलने से लेकर रात तक वैश्यापन अपना बिखेरते फिरते हैं, लोगों के अंदर जाहिलपना भरते हैं, जो नग्नता सिखाते हैं, वो दो कौड़ी की इज्जत रखने वाले लोग आकर आज हमारे मंदिरों को, आज हमारे हिंदुत्व को, आज हमारे धर्म को बदनाम जो कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है उसके ऊपर मैंने कुछ नहीं बोला, तो शेम ऑन मी। ये जाहिर सी बात है। मैं इस विषय में आपको एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइन है कि यदि कोई भी बलात्कार पीड़िता महिला, स्त्री, बच्ची है तो उसका नाम नहीं लेना है। लेकिन यहाँ मीडिया ने बाकायदा हैशटैग के साथ चलाया, आसिफा को पूरी तरीके से प्रचारित प्रसारित कर दिया गया है, और हमारा कोडट उसने अभी तक मीडिया के इस विषय में संज्ञान नहीं लिया है। खैर छोड़िए, ये बात दूसरी हुई। अब हम चलते हैं आसिफा के इसी गैंगरेप के ऊपर। इसमें बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझ भी चुकी हैं, जैसे कि मुफ्ती सरकार का समयावधि जो था वो समाप्त हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को अब शासन सत्ता सौंपने का समय आया था, लेकिन किस तरीके से इसे कम्युनलाइज किया जाए वो पॉइंट यहाँ पर मुफ्ती सरकार खेल गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है कि पहली बात, लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। रिपोर्ट में जो लिखा गया था कि उसको गर्भगृह में रखा गया, पूरे मंदिर के अंदर कोई भी गर्भगृह नहीं है, उसमें सिर्फ एक रूम है, मंदिर पर कोई ताला नहीं है। कहा गया कि 4 दिन तक लगातार रेप हुआ, 4 दिन तक लोग वहाँ लगातार पूजा अर्चना के लिए आए, लेकिन वहाँ किसी को भी ऐसा कोई सीन, कोई दृश्य, कोई ऐसी घटना का अंदेशा वहाँ पर नहीं हुआ है। 4 दिन तक यदि मंदिर में ऐसा होता तो क्या वहाँ की जनता सोई रहती? ऐसा असंभव था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब दुनिया के सामने है। लड़की के गले पर जो गीली मिट्टी पाई गई वो जंगलों की है। ये सब बातें रिपोर्ट में आ चुकी हैं, लेकिन जो हमारी नंगी भांड हीरोइन है, जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता परोसती हैं, जो सिर्फ अपने बदन को दिखाने का पैसा लेती हैं, वो हाथ में तख्तियाँ लेकर खड़ी हैं कि ये देवस्थान में बलात्कार हुआ है, इनका बाप वहाँ पर देखने के लिए गया था कि वहाँ बलात्कार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए गई थी कि वहाँ बलात्कार हो रहा है या क्या हो रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का तो इंतज़ार कर लेते, शेम ऑन मी है क्योंकि मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार किया। मैं देख रहा था कि यहाँ की गवर्नमेंट कब मांग करती है कि इसकी जांच सीबीआई को देनी चाहिए, लेकिन वो वहाँ से भी नकार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विधायक जिन्होंने खुद कह दिया कि नार्को टेस्ट के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन लड़की अब वहाँ से भाग रही है, तो पूरा जितना भी मीडिया है पूरा का पूरा सो चुका है। किसी पर कोई खबर नहीं है कि लड़की नार्को टेस्ट से क्यों भाग रही है। ये क्या है? ये कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ लगातार प्रहार है हिंदुइज्म के ऊपर। आप सबको याद होगा कि भगवा आतंकवाद की जो परिभाषा जहाँ से गढ़ी गई थी, स्वामी असीमानंद हुए, कर्नल पुरोहित हुए, जिनको इतनी कठोर यातनाएं दी गई, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनआईए का दुरुपयोग किया गया था केंद्र सरकार, यूपीए सरकार के द्वारा, भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मक्का मस्जिद में कोई बम विस्फोट में हिंदू लोगों का हाथ नहीं था, सबके सब बाइज्जत बरी हो चुके हैं। आज की न्यूज देख लीजिए, शंकराचार्य जी को उनके सेवक की हत्या के आरोप में हवन के बीच में से उठवाकर 9 साल के कड़े कारावास में रखा गया इसी सोनिया गांधी की सरकार में। अब अगले साल क्योंकि चुनाव है, ये हिंदू आतंकवाद की परिभाषा गढ़ी जा रही है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, आज के हिंदुओं की क्या औकात हो गई है ये समझने का प्रयास कीजिए। कोई खबर आए, कोई भी खबर आए, जिन भांडों के पीछे ये दौड़ते हैं, ये बादशाह को जो रात दिन ये गाने, गंदे गाने गाते हैं, इनकी बहनों के ऊपर अलाउ नहीं होते ये गाने, ये जो सुनते हैं,
ये जिनके पीछे पीछे चलते हैं वो बादशाह तख्ती लेकर क्या खड़ा हुआ है, देवस्थान टेम्पल किसकी पैरोकारी कर रहा है ये आदमी। अगर आप इनके पीछे भागते हो तो दूसरी तरफ ये देखो कि इनके गाने सुनकर जो लड़के लड़कियों का पीछा करते हैं, जो कहते हैं कि लंबी लंबी गाड़ियों में तेरे को घुमाऊं, वो उसमें बहन आपकी भी तो हो सकती है। आसिफा के केस के पीछे 4 साल की एक लड़की सासाराम में रोन दी गई, हिंदुओं को उसकी खबर नहीं है। हिंदू प्रोटेस्ट कर रहा है आसिफा के लिए, उन्नाव के लिए, सासाराम की कोई खबर नहीं है। 13 तारीख की खबर है एटा की, गुलाब खान नामक मुस्लिम व्यक्ति ने जय भीम का नारा बुलंद करते हुए एक दलित लड़की की इज्जत को रौंद दिया। मेरे दलितवादी जितने भी दुश्मन हैं, मित्र मैं उनको नहीं कह सकता, जितने भी भीमवादी, जितने भी भीम आर्मी वाले, बाम सेफ वाले, मनुस्मृति को जलाने वाले, जितने भी दल्ले हैं, सारे के सारे सो रहे हैं। ये क्या कह रहे थे कल कि टीना डाबी के शौहर को हमने अपना जीजा बना लिया। अबे इसमें तुमको अपनी दलित मुस्लिम एकता दिखाई दे रही है? मैं तो कह रहा हूँ टीना डाबी की ननद को जरा लाइन मार के दिखाओ। तुम्हारे इश्क की जो स्पीड है वो 315 की गति से ना दौड़े तो मुझे बता देना। तलवार की नोक पे तुम्हारी गर्दन होगी, गर्दन या सुन्नत एक में से जरूर कटेगी अगर तुमको ये लग रहा है कि हमारा प्रेम इसमें विस्तार पा रहा है। टीना डाबी ने तो एक बार नहीं कहा कि मैं मुसलमानों से शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को जय भीम का नारा बुलंद करना है। अबे उसको अपना स्टेटस चाहिए। तुम जिस गंदी नाली में पड़े थे तुम वहीं के वहीं पड़े रहोगे। तुम्हारे लोग उठेंगे, कभी ब्राह्मण से शादी करेंगे, बनिए से शादी करेंगे, मुसलमान से शादी करेंगे, अपना स्टेटस हाई करेंगे। तुम जहां पड़े थे वहीं के वहीं पड़े रहोगे। टीना डाबी चाहती तो एक तुम्हारे बीच से इंसान को ऊपर उठा सकती थी, लेकिन उसने क्या चुना, उठाए इंसान को चुना। उसने आगे मेहनत करने की नहीं ठानी। कल क्या हुआ एटा में, 14 अप्रैल को तुम आंदोलन कर रहे थे, 13 अप्रैल को तुमको दे दिया ना प्रसाद, 15 अप्रैल को क्या हुआ? मैं तो सभी हिंदुओं के लिए बात बोल रहा हूँ। हाथ में कलावा बांधा हुआ था, नाम बताया मलिक, था लड़का कौन, सलमान। यही होते हैं, सलमान होता है, सुहेल होता है, अरबाज होता है, और कौन होता है। नोएडा से लेके मथुरा तक इज्जत रौंदी। क्या बोल के लेके गए थे, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं जी। जितने हमारे पौराणिक हिंदू भाई हैं ना, इनकी लड़कियां जो हैं वो लॉन्ग ड्राइव पे ही जाती हैं, हाथ में सिर्फ कलावा देखती हैं। धर्म की सुध नहीं है, ना धर्म की सुध है, ना धर्म योद्धाओं की सुध है, ना जितनी अपनी वीरांगनाएं हुई हैं ना उनकी सुध है, इनको सुध है डोरा देखो। मैं आज बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, मैं बस पता नहीं किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए मेरे हिंदू भाई हाथ में तख्ती लेकर खड़े हैं, जस्टिस फॉर आसिफा। अरे जस्टिस फॉर आसिफा तो हम भी चाह रहे हैं, लेकिन उसकी सीबीआई जांच तो करवाओ। ये तुम्हारा जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये जो दलित मुस्लिम भाई भाई वाले नारे हैं, ये सारे के सारे औंधे मुँह पड़े हुए, नंगे पड़े हुए, उनकी असलियत तो देखो। लेकिन तुमको देखनी नहीं है, तुमको करना क्या है, तुमको रासलीलाएं रचानी है, डांडिया रास रचाना है। तुमको कोई सुहेल आसिफ कल मलिक बता दे, कल सोनू बता दे, हाथ में डोरा बांध ले, मंदिर में जाके मत्था टेक दे, तुम अपनी इज्जत खोल के उसके सामने रखने को तैयार हो। 11 तारीख को लड़कियों की इज्जत रौंदी गई, 15 तारीख को हुआ, 13 तारीख को हुआ, 14 तारीख को जानबूझ के मुसलमानों ने दलितों की लड़कियों की इज्जत रौंदी, लेकिन तुम्हारा खून नहीं खोला। तुम जस्टिस फॉर आसिफा करते रहो, तुम जस्टिस फॉर उन्नाव करते रहो। आगे क्या होता है ये पिक्चर्स देखो जरा। इसमें पूरी तरीके से पहले मेकअप होता है, मेकअप होने के बाद में उसी लड़की को वहाँ एक्टिंग कराई जा रही है कि किस प्रकार से इसकी हत्या हुई। तुम्हारे रामचंद्र जी के विषय में एक सीता क्या बोल रही है, इसमें देखिए कार्टून बनाया हुआ है। कह रही है कि अच्छा हुआ कि मुझे रावण ने उठा लिया, अच्छा हुआ कि तुम्हारे भक्तों ने मुझे नहीं उठाया। ये त्रिशूल को देखो, इस पर क्या बनाया हुआ है। ये तुम्हारी इज्जत हो रही है और ये तुम्हारा हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो रहा है, ये तुम्हारा दलित मुस्लिम भाई भाई हो रहा है, जब तुम्हारी लड़कियों को उठाकर उनकी इज्जतों के साथ में खेला जा रहा है। ये पहले भी हुआ था इलेक्शन से पहले, जब शंकराचार्य को पकड़ा गया, जब असीमानंद को पकड़ा गया। मैं खुद असीमानंद जी के आश्रम पर गया, मैंने वहाँ क्या देखा, एक छोटी सी झोंपड़ी थी, उनमें रहते थे असीमानंद जी, गुजरात की
सापूतारा हिल्स में, कभी डांग आहवा आप जाओ, क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो मैंने काम किया है बहुत ही कम लोग जानते हैं, मैंने वहाँ पर देखा सीमानंद जी क्रिश्चियंस का जो कन्वर्जन था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। आज वो बाहर निकल रहे हैं, शंकराचार्य बाहर निकले, कर्नल पुरोहित बाहर निकला, हमारी साध्वी जी के साथ में कितने गलत गलत बर्ताव हुए, लेकिन आज उनको न्याय मिला है। ये न्याय मिलने से पहले, सुप्रीम कोर्ट के दखल से पहले, तुम लोगों ने 2 तारीख को आतंक मचाया कि हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है। तुम अब आतंक मचा रहे हो कि आसिफा का रेप हो गया, मंदिर में कर लिया गया। अबे कुछ तो दिमाग लड़ा लिया करो, ये सारा का सारा जो है प्रॉपर्टी का खेल है। आसिफा को जानबूझकर मारा गया सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के खेल में। उन्नाव का जो रेप केस है वो पूरा प्रॉपर्टी का खेल है। लड़की ने जानबूझकर रेप का उनके ऊपर आरोप लगाया क्योंकि उसके पीछे पूरी प्रॉपर्टी का खेल है। नार्को टेस्ट कराए नहीं तो लड़की। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि शेम ऑन मी तो है, लेकिन क्या अब आप अपने मुंह पर कालिख लपेट कर बाजार में माफ़ी मांगेंगे निकल कर लोगों से कि हमने जो अब तक रूमर्स फैलाए वो सारे झूठ थे? आप उन लोगों में से हो शेम ऑन यू कहने वाले भाइयों जिनको खुद का दस्त तो रुकता नहीं और दूसरों को शेम शेम बोलने लगते हैं। आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। और इस जय के लिए हमें चाहे अपने प्राण क्यों ना निछावर कर देने पड़े, लेकिन झूठ को हम इसी प्रकार से नेस्तनाबूत करते रहेंगे। हम अपने आर्यत्व, अपने आर्य व्रत की रक्षा के लिए सदा सर्वदा अपनी जान हथेली पर लेकर सामने डटे रहेंगे।